तो दोस्तों आज हम दिखाने वाले हैं ऑयल पंप के बारे में। और ये ऑयल पंप में प्रॉब्लम आ गया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसे दिखने में तो आपको सारा चीज़ कंप्लीट दिख रहा होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये लॉक हो गया है। और हमने आगे एक वीडियो भी डाली हुई है कि सीडी डीलक्स बाइक का पंप लॉक हो गया है। तो अभी क्या है कि दोस्तों इस तरीके से घुमाने पे इधर पकड़ जा रहा है, देख सकते हो आप, इधर से नीचे नहीं आएगा इस तरीके से। और बहुत ताकत करने के बाद ये घूमता है कभी कभी। और दोस्तों इस तरीके से देख सकते हो आप कि इधर लॉक हो गया और इधर भी लॉक हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम आ गई है। तो दोस्तों बीच वाला में क्या होता है कि इस तरीके से घूमता है तो हमारा चक्कर कंप्लीट रहता है, लेकिन ये घूम नहीं पा रहा है, देख सकते हो आप कि बहुत टाइट है। तो इस तरीके से वर्क करता है ये, अंदर में इसमें लगा हुआ होता है, ये ऊपर की साइड में ये होता है और बीच में ये होता है, और इसके ऊपर ये वाला प्लेट लगता है, देख सकते हो आप इस तरीके से। और इधर इसका नट टाइट होगा, इधर इधर तीन इस टाइप के स्क्रू रहेंगे और इधर बाकी बड़े स्क्रू रहेंगे, वो डायरेक्ट बॉडी में इंजन में लगते हैं। तो दोस्तों ये ऑयल पंप में भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, और ये लॉक होने के कारण ऑयल पंप का चक्कर भी ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो मैंने आगे वीडियो में दिखाया था कि ऑयल पंप के चक्कर में क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूंगा, तो उधर जाके आप देख सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आती है लॉक होने से। तो हमने ये तो फिलहाल अभी गाड़ी को रिपेयर करके दे दिया है, और हमने प्रिकॉल का डालने वाले हैं पंप। तो मैं दिखाऊंगा कि कौन सी कंपनी का पंप डालेंगे और वो कितना स्मूथ चल रहा है। चलने में दोस्तों इस तरीके से चलता है, लेकिन उसको साथ में लेके घूमता है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये अंदर वाला घूमना चाहिए, ये घूमता नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम इस गाड़ी में डालने वाले हैं ऑयल पंप, और इसका पुराना ख़राब हो गया था कि आगे मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि किस कंडीशन में आ गया था। तो हम इसमें डालने वाले हैं प्रिकॉल कंपनी का ऑयल पंप, और ये जेन्युइन कंपनी है, ये कंपनी का कई गाड़ियों में लग के आता है। तो अभी हमें इससे पुराना बहुत पैकिंग पड़ा था हमारे पास, ये 2020 का दिख रहा होगा पैकिंग, और इसकी MRP 224 है। अभी तो बढ़ के बहुत आगे निकल गई होगी। तो हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे कि ये पन्नी में पैक है हमारा ऑयल पंप। तो अभी मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर एक कैप है और एक वॉशर और एक पिन है जो इस तरीके से घूमेगा पंप, और इसका पैकिंग हमको अगला अलग से लगाना पड़ेगा। और दोस्तों अभी आप देख सकते हो पंप बिल्कुल जेन्युइन है, और इधर प्रिकॉल का मार्क दिया हुआ है। तो हम इसको लगाएंगे, और पुराने पंप में क्या हो गया था कि किसके ख़राब हो गया था, जो ये चक्कर रहता है अंदर में वो चौड़ा हो गया था। तो अभी मैं आपको लगा देता हूँ और वीडियो इधर ख़त्म करता हूँ दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।